अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मटर का घुघनी। ये देखिए बहुत ही अच्छा बनता है। अभी मटर सीजन में है तो आप लोग भी बनाइए। ये लिए यहाँ पे स्लाइस किया हुआ प्याज और 2 हरी मिर्च। प्याज को हल्का सा ब्राउन करेंगे। ये देखिए प्याज और हरी मिर्च दोनों जब ब्राउन हो जाए तो इसमें डालेंगे मटर। मटर डाल के इसको थोड़ी देर भूनेंगे, फिर इसमें डालेंगे हम लोग नमक। यहाँ पे जितने अच्छे से इसको ना प्याज के साथ थोड़ा सा भूनेंगे तो इसका मटर का जो एक कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे डाल दिए नमक। नमक आप अपने अकॉर्डिंग डालिए। नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर देखिए उसके बाद अब इसमें हम लोग डालेंगे ये जीरा का पाउडर, भुना हुआ जीरा का पाउडर थोड़ा सा, और ये काली मिर्च का पाउडर। बस हो गया। अब इसमें कोई भी मसाले नहीं जाएंगे। और अगर आपको हल्दी डालना है तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी आप डाल सकते हैं। ये देखिए पानी डाल के अब इसको ढक के पकाएंगे। जब तक मटर अच्छे से गल ना जाए यहाँ पे पानी लगभग सूख गया, मटर गल चुके हैं। थोड़ा सा और पानी सूखेगा। ये देखिए मटर बिल्कुल पक चुका है अच्छी तरीके से। जो थोड़ा बचा हुआ पानी उसको अच्छे से सुखा लेंगे हम लोग। ये देखिए यहाँ पर हमारा मटर बन के तैयार है। अभी हम लोग इसको इंजॉय करेंगे चूड़े के साथ, चूड़ा पोहा के साथ। ये बहुत ही अच्छा स्नैक्स बन के तैयार होते हैं। अभी तो मटर सीजन में है तो इसको आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए मटर बन के बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे चूड़ा भुना हुआ। ये देखिए और अब हम लोग इसको एंजॉय करेंगे। तो आप भी बनाइए, आप भी एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।